हेलो वेलकम टू माय शो बॉबी द मैटिनी आइडल। दोस्तों अक्षय कुमार की फिल्म खेल खेल में विच इज अ गुड एंटरटेनिंग फिल्म लेकिन बॉक्स ऑफिस पे नहीं चल रही है। सिर्फ 14 करोड़ का कलेक्शन किया है 4 दिनों में, थर्सडे से संडे तक एक्सटेंडेड वीकेंड में 14 करोड़ का कलेक्शन किया है। उसी तरह जॉन अब्राहम की फिल्म वेदा ने भी 14 करोड़ का कलेक्शन ही किया है 4 दिनों में। तो ये दोनों का कंबाइंड कलेक्शन भी 28 करोड़ होता है वीकेंड का। जो श्रद्धा कपूर राजकुमार राव की फिल्म स्त्री का फर्स्ट डे का 45 था, वो 45 भी दोनों कंबाइंड का 4 दिन का नहीं होता, एक दिन का 45 था। तो भी ये तो भी एकदम अजीब बिगेस्ट डिजास्टर हो गए। ये तो 15 अगस्त रिलीज पे सबसे बड़े डिजास्टर ये दो फिल्में है। हिस्ट्री चेक की जाए तो जहां तक मैं फिल्में देखता हूँ, चालू किया मैंने तब से देखा जाए तो अब तक सबसे बड़े 15 अगस्त के डिजास्टर ये दो फिल्में, खेल खेल में और वेदा। चलो खेल खेल में तो अच्छी फिल्म है लेकिन फिर भी नहीं चल रही, समझ में नहीं आ रहा क्यों। पीपल डोंट वॉच अक्षय कुमार मूवी। और जॉन अब्राहम जिस तरह की फिल्म कर रही है, एक ही एक्सप्रेशन में बात कर रहे, तो कोई वो दिन दूर नहीं जब लोग बोलेंगे जॉन अब्राहम को कौन अब्राहम, तो कौन अब्राहम ऐसा बोलेंगे लोग। इस तरह की फिल्में करेंगे तो वो भी अक्षय कुमार की तरह हो जाएगी, फिर जॉन अब्राहम विल बिकम गॉन अब्राहम। तो थोड़ी फिल्में स्किप ध्यान से देखिए, अच्छी फिल्में कीजिए तो ये ऑडियंस याद रखेगी। और कमर्शियल फिल्म आउट एंड आउट कमर्शियल फिल्म, जैसे अक्षय कुमार इस फिल्में कर रही है, रानीगंज मिशन रानीगंज वॉज अ गुड फिल्म, सरफिरा वॉज अ गुड फिल्म, खेल खेल में इज अ गुड फिल्म, तो ऑल थ्री फिल्म बॉक्स ऑफिस तीनों डिजास्टर हो गई। ये जो डायरेक्टर अक्षय कुमार जिनके साथ काम कर रहे हैं वो उनकी फिल्मों को क्रिटिकल एक्लेम मिलता है लेकिन बॉक्स ऑफिस नंबर्स नहीं मिलते, जो बहुत जरूरी है। तो बॉक्स ऑफिस नंबर्स के लिए एक देसी फिल्म होनी चाहिए दोस्तों, तभी बॉक्स ऑफिस नंबर आते हैं। ऐसे ही अब स्त्री इज अ देसी फिल्म, एक मॉडर्न जमाने की फिल्म थोड़ी है, तो देसी फिल्म है। गदर 2 वॉज अ देसी फिल्म, जवान पठान वॉज अ देसी फिल्म। वो पहले पठान में थोड़ा उन लोगों ने जरा VFX ज्यादा दिया, थोड़ा स्टाइलिश फिल्म बनाई, पर देखते थी तो देसी फिल्म एक्चुअली। तो देसी फिल्म ही ब्लॉकबस्टर बनती है दोस्तों। ये इस टाइप की आप फिल्म बनाओगे, मान दो वेदा भी देसी फिल्म है लेकिन स्क्रीन पे बराबर नहीं उसका, तो मजबूत स्क्रीन पे होना चाहिए पिक्चर का, तब जाके फिल्म बनेगी। तो अक्षय कुमार जो फिल्में कर रहे, जिन डायरेक्टर की फिल्में कर रहे, दे कैन गिव हिम क्रिटिकल एक्लेम बट दे कैन नॉट गिव हिम बॉक्स ऑफिस सक्सेस। तो बॉक्स ऑफिस सक्सेस के लिए उनको उसी तरह के डायरेक्टर के साथ काम करना पड़े जो उनको पास्ट में सक्सेस दिला चुके हैं, जैसे कि प्रियदर्शन जी, साजिद खान जी एंड रोहित शेट्टी। ये तीनों की फिल्में करेगी अक्षय कुमार तभी जाके उनको बॉक्स ऑफिस सक्सेस मिलेगा, वरना तो कुछ फायदा नहीं। तो लेट्स सी क्या होता है। हालांकि खेल खेल में और वेदा दोनों की क्या बैंड बज गया है, वे दोनों सेकेंड वीक में पता नहीं किधर दिखेगी भी नहीं फिल्में। और स्त्री ने पूरा झाड़ू मार दिया बॉक्स ऑफिस पे, फर्स्ट वीक में 300 करोड़ कर देगी, लाइफ टाइम 500 भी हो सकता है। तो लेट्स वेट एंड वॉच क्या होता है। लेकिन एज फॉर नाउ खेल खेल में और वेदा दोनों का खेल खत्म हो गया है। कीप वॉचिंग माय चैनल बॉबी द मैटिनी आइडल, सेइंग गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू गाइस।